भी फेल हुआ, फेल फेल हुआ एंड फाइनली आज वो उसको यूके गवर्नमेंट ने वापस भेज दिया है। एक इलीगल आप एक्टिविटी कर रहे हो इस कंट्री में, आराम से 80,000 से 90,000 रुपये कमा लोगे के में, एंड वो वही पैसा छापने में लग जाते हैं और वो यूं ही जाना छोड़ देते हैं। हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ आप लोगों के बारे में बात, क्योंकि यूके आके कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं गड़बड़, ठीक है, एंड उसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। सो अभी मौसम में थोड़ा, आई थिंक मौसम ना हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि स्पीकर में कैसी आवाज़ आ रही होगी। तो पहले तो आप यहाँ का ये देखो, ये ऑक्सफोर्ड का हाई स्ट्रीट है, ठीक है, एकदम सिटी सेंटर है। एंड अभी मैं किसी कैफ़े में चल के बात करता हूँ, क्योंकि आई थिंक आवाज़ का मुझे इशू लग रहा है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ और फिर आप लोगों को सुनाई ना दे। सो एक कैफ़े में चलते हैं एंड चलो वहाँ बात करते हैं। तो गाइस, जस्ट अभी कैफ़े में आके बैठा था, यहाँ पे थोड़ी शांति है एंड मैंने लिया है आइस लाते। जो जो आइस लाते के फ़ैन है कमेंट करो। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि यूके में आके कुछ बच्चे ना थोड़ा सा गलत राह पे जा रहे हैं, ठीक है, एंड कुछ कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो इलीगली हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करने चाहिए, एंड उसके उनको बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेसेस करने पड़ रहे हैं। सो बस मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, इनको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना जो भी आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। सो जो पहली एडवाइस है वो है कि कैश इन हैंड जॉब मत करना यहाँ पे आके। अब आप बहुत लोग सोचोगे कि विभोर भाई, बहुत लोग कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं, वो तो नहीं पकड़े जा रहे, बट देखो यार, जब किस्मत बुरी तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड आप लोगों को भी पता है कि कैश इन हैंड एक इलीगल आप एक्टिविटी कर रहे हो इस कंट्री में, तो कभी भी बहुत रिस्की है, कभी भी फंस सकते हो, राइट। एंड उसमें पे भी बहुत कम मिलता है, तो इतना कुछ कुछ खास नहीं है कैश इन हैंड। सो बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं, एंड इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है कैश इन हैंड जॉब पे, कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो अगर आप लोग कैश इन हैंड जॉब करते हो, पकड़े जाते हो, तो सीधा डिपोर्ट करेंगे या नहीं तो बहुत बड़ा फाइन लगाएंगे, ठीक है, एंड आपकी प्रोफाइल उससे बहुत बेकार हो जाएगी, ठीक है। सो आपकी एक हिस्ट्री में आ जाएगा यूके के हिस्ट्री में कि आपने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया है, ये क्रिमिनल उसमें आता है, ठीक है, कैश इन हैंड। तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा, और ज़रूरत क्या है कैश इन हैंड करने की यार, जब आप लोगों को 80 आवर्स पर मंथ मिल रहा है, 20 आवर्स पर वीक मिल रहा है, तो एंड वो मोर देन इनफ है। NI पे जॉब करो, 80 घंटे करो महीने के, ठीक है, एंड आप आराम से 80,000 से 90,000 रुपये कमा लोगे, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आप टैक्स पे नहीं करते हो, तो जितना भी आप मेहनत कर रहे हो वो पूरा आपकी जेब में आ रहा है, ठीक है, वो पूरा पैसा आपकी जेब में आ रहा है। सो 80,000 से 90,000 बहुत है, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस अपना, आपका रेंट निकल जाएगा, खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन सब निकल जाएगा, ठीक है। बाकी क्योंकि बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि बस मैं यूके चला जाऊँ और पागलों की तरह पैसा कमाऊँ, नहीं, थोड़ा सा एक साल इंतजार कर लो, उसके बाद पूरा टाइम मिलेगा। तभी यूके गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि उन लोगों ने अब स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप स्किल वर्कर वीज़ा में, ठीक है। तो पहले आपको अपनी स्टडी पूरी करनी पड़ेगी, देन ओनली आप लोग स्किल वर्कर वीज़ा पे जा सकते हो। सो यूके गवर्नमेंट भी देख रही है ये सब कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे सिर्फ काम करने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, देन इंडिया या अपनी जो भी कंट्री है वहाँ पे पैसा भेजते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आओ, अपना पार्ट टाइम जॉब करो, NI पे करो, 80 आवर्स करो, ठीक है, उससे ज़्यादा अगले साल कर लेना जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी। PSW में फुल टाइम करो यार, जितना आप फेल सकते हो फेलो। और जो दूसरी एडवाइस है वो है कि फेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आके नहीं बनवाने हैं। अब मेरा फेक डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे आप लोग यूके लैंड करोगे ना, विद इन फर्स्ट वीक 2 वीक्स आप लोगों को एजेंट्स लोगों के मैसेजेस आने लगेंगे, आई डोंट नो उन पे नंबर्स कहाँ से पहुँच जाते हैं। सो उन पे वो लोग आपको मैसेज करने लगेंगे कि असाइनमेंट्स बनवा लो, या चलो ये तो डॉक्यूमेंट नहीं है बट डॉक्यूमेंट में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो कि 400-500 पे करो, आपको फुल ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे मिलेगा। बट यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, पहले आपको प्रोविजनल लाइसेंस होता है, एंड देन आपका लर्निंग टेस्ट होता है, थ्योरी टेस्ट होता है, एंड देन उसके बाद फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ठीक है। सो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू मिलता है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, एंड वो कोई आपको 400-500 में दे दे रहा है तो वो नहीं करना है आप लोगों को, वो इल्लीगल है, वो जो लाइसेंस होता है वो नहीं होता है सही, ठीक है। अगर कभी पकड़े गए ना तो पुलिस तो आराम से पता कर लेगी कि ये फेक लाइसेंस है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट्स लोग क्या करते हैं, वो लोग फेक बना के दे देते हैं, एंड वो पूरा लगता ओरिजिनल है बट आपको ही पता होता है कि मैंने तो पैसे दिए तो ये ओरिजिनल बन के आया है, बट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे केसेस में क्या होता है वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, बस वो आपको कार्ड देते हैं वो एकदम ओरिजिनल जैसा दिखने का,
एंड वो होता फेक है और आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आपको फेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सारे यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब यहाँ पे ऑनलाइन बनते हैं, तो आपको खुद बस किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑनलाइन खुद जाओ, ठीक है, गूगल पर सर्च करो, कोई सा भी डॉक्यूमेंट ले लो यूके का, ठीक है, लाइसेंस ले लो, NI ले लो, BA, अपना डॉक्टर रजिस्ट्रेशन ले लो, बैंक अकाउंट ले लो, कुछ भी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, सिक्योरिटी लाइसेंस ले लो या कंस्ट्रक्शन कार्ड ले लो, सारे ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, किसी के थ्रू यहाँ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन है। सो आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है कि सिक्योरिटी लाइसेंस फेक बनवा लिया या कंस्ट्रक्शन कार्ड फेक बनवा लिया, तो सारे यहाँ पे आके आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखने हैं, ठीक है। कुछ भी इस कंट्री में आके आपको इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपकी आपके वीज़ा पे ख़तरा ना आए, आप पे ख़तरा ना आए और आपकी प्रोफाइल पे बिगड़ सकती है अगर आप इन सब एक्टिविटी में पकड़े जाते हो, ठीक है। और बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्टिविटी करता पकड़ा गया है, ये फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करता पकड़ा गया, ठीक है। कुछ थोड़े और भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मतलब क्रिमिनल, अगर आप देखो तो एक अभी एक रेप केस बहुत पॉपुलर हुआ था यूके में, एक इंडियन स्टूडेंट ने किया था। तो यार ये सब चीज़ों में पढ़ो, पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे, अपना पैसा इतना लगा के आ रहे हो, 20-30 लाख रुपए लगा के, उसकी वैल्यू करो, ठीक है, अपने घर वालों के हार्ड एंड मनी की वैल्यू करो। और एक साल की बाद अपनी यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है, साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब है आप पे वो भी करो, एंड मौज भी करो, एंजॉय करो लाइफ को, ये नहीं कि बस यहाँ पे आके पैसा पैसा पैसा, ठीक है। तो अपना चीज़ों को बैलेंस रखो एंड मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, उसके बाद अपने स्किल वर्कर वीज़ा के लिए जॉब ढूंढो, ठीक है। PSW पे आपको यहाँ पे ढूंढना है कि आपको ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है तो स्किल वर्कर वीज़ा चाहिए होगा। एंड जो थर्ड है वो है लेस अटेंडेंस। बहुत बच्चे हैं यहाँ आ जाते हैं यूके में एंड वही पैसा छापने में लग जाते हैं और वो यूनी जाना छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है। यूके गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और आजकल यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर बच्चा 1-2 महीने कंटिन्यूसली नहीं आता है तो पहले तो वो बच्चे से कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो UKBI को डाल देते हैं। पहले नहीं होता था, पहले बहुत रेयर केसेस में यूके जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो UKBI को मेल डालती थी, बट अब बहुत जल्दी जल्दी डाल रही हैं, ठीक है। तो आपको अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है एंड ऑब्वियसली जब यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो। यूके गवर्नमेंट भी देख रही है कि यहाँ पे बच्चे सिर्फ आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे एंड देन वो और सब चीज़ें करने लगते हैं पढ़ाई के अलावा, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते, बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं वो यहाँ पे। सो वो भी अब स्ट्रिक्ट हो गए, इसलिए आप अपना पता ही, आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा मूव नहीं कर सकते स्किल वर्कर वीज़ा में। और धीरे धीरे और भी इनके यूके गवर्नमेंट कोई ना कोई नया रूल ला रही है, तो आप लोगों को अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है, ठीक है, कैश इन हैंड जॉब नहीं करनी है और कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। तो ये तीन चीज़ आपको लेके चलनी है यहाँ पे। यहाँ पे आके सारी चीज़ें लीगली करनी है आप लोगों को, कोई भी फेक प्रोसेस में नहीं करनी है और किसी के ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ना है जो आप लोगों को एक गलत एडवाइस दे, ठीक है। और ये चीज़ थी, बाकी मैं एक मेरे से बहुत लोग पूछे थे कि विभोर भाई असाइनमेंट्स का कैसे करते हैं वहाँ पे, कि बाहर बनवाएं या खुद से बनाएं। देखो यार, इस पे ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जो असाइनमेंट्स बाहर बनवा रहे हैं वो फेल हो रहे हैं एंड इसके रीजंस हैं क्या है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, 1-2 महीने पहले बनाई थी, और उसका जो लड़का था, वो जो दोस्त था मतलब लड़का, मतलब जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, वो 5 बार फेल हुआ है, ठीक है, 5 बार असाइनमेंट में फेल हुआ है एंड उसको फाइनली अब इंडिया जाना पड़ा है वापस। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, लिंक आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना वाली वीडियो। वो बच्चा फेल होता गया, रिसीट मतलब जो इंडिया में पैक होती है, ठीक है, उसमें भी फेल हुआ एंड फाइनली आज वो उसको यूके गवर्नमेंट ने वापस भेज दिया है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको और वीज़ा नहीं दे सकते हैं और एक्सटेंड नहीं करेंगे, आप बार बार फेल हो रहे हो। तो आपको यहाँ पे पढ़ाई आके सीरियसली लेनी है, ये नहीं कि हल्के में असाइनमेंट बाहर से बनवा लेंगे पास हो जाएंगे, नहीं, ठीक है, बकायदा पूरा केस है, आप मैंने इस पर वीडियो बनाई है, वो जाके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आज वो इंडिया चला गया है, ठीक है, परेशान है, उसने इतना पैसा लगाया था, अब बताओ हुआ ना। तो आप लोगों को सीरियसली लेना है पढ़ाई को यहाँ पे आके, तो इसमें प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा एंड आज इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।